इसने औरों को बचाया। आइए आज इसी पे गौर करते हैं। खुदाई कदूस के जिंदा जलाली बाबरकत पुर फजल नाम में एक बार फिर आपको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और हर रोज खुदा का जिंदा जलाली पुर फजल पवित्र कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ और हम मिलकर खुदा के पाक कलाम की तलावत करते हैं, नए अहदनामा में से भी और पुराने अहदनामा में से भी। और हर रोज थॉट ऑफ द डे पर भी गौर करते हैं अपनी इसलाह के लिए, रूहानी तरक्की के लिए और ज्यादा खुदा की ब्लेसिंग्स को अपने लिए हासिल करने के लिए। थॉट ऑफ द डे जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो हर रोज की तरह से इंतहाई बाबरकत है, पुरफजल है। खुदा के कलाम में मरकज की अंजील उसके 15वें बाब में लिखा है और उसकी 29 आयत में, और राह चलने वाले सर हिला हिलाकर उस पर लान तान करते और कहते थे कि वाह, मकदस के ढाने वाले और तीन दिन में बनाने वाले से उतर कर अपने तई बचा। और फिर 31 आयत में लिखा है, इसी तरह सरदार काहिन भी फकीयों के साथ मिलकर आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तई नहीं बचा सकता। इसराइल का बादशाह मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखकर ईमान लाएं, और जो उसके साथ मसलूब हुए थे वो उस पर लान तान करते थे। और फिर एक और हवाला आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, खुदा के पाक कलाम में लिखा है इंजील 15 बाब उसकी 3 आयत से आपके लिए पढ़ने लगी हूँ, और सरदार काहिन उस पर बहुत बातों का इल्जाम लगाते रहे। पिलातुस ने उससे दोबारा सवाल करके ये कहा, तू कुछ जवाब नहीं देता, देखिए तुझ पर कितनी बातों का इल्जाम लगाते हैं। यीशु ने फिर भी कुछ जवाब न दिया, यहां तक कि पिलातुस ने ताज्जुब। इस सारे वाक्या में और इन सारी आयात में जो भी मैंने आपके सामने पढ़ी है, मरकज की अंजील 15 बाब और उसकी 3 आयत से लेके 5 आयत तक, और फिर मरकज की अंजील 15 बाब उसकी 29, 30 और 31 आयात में हम ये देखते हैं कि लोग तरह तरह के इल्जामात उस पे लगा रहे हैं, यहां तक कि सरदार काहिन और फकी भी आपस में मिलकर ठट्ठे कस रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन इसके बावजूद खुदावन यीशु मसीह हर एक बात के जवाब में खामोशी इख्तियार किए रहा। क्यों? क्योंकि क्लेरिफिकेशन देना उसने मुनासिब नहीं जाना। जो कुछ खुदावन यीशु मसीह के साथ जमीन पर लोगों ने उसके साथ किया या जो कुछ उसके साथ हुआ, ये ऑलरेडी आसमानों पर तय था, ये ऑलरेडी खुदा की तरफ से प्लान था, खुदा की तरफ से तय था, और ये सब कुछ उसके साथ होना जरूर था ताकि हम निजात पाएं, ताकि हम कफारा हासिल करें, ताकि हम बच सकें और उस गुनाह की सजा से रिहाई पा सकें जो हमारे लिए मुकर्रर हो चुकी थी, और उस अवधि हलाकत से बच सकें जो हमारे लिए ऑलरेडी हमारे लिए तय हो चुकी थी। सारी पेशीन गोयां हम पुराने अहदनामा में पढ़ सकते हैं, नए अहदनामा में पढ़ सकते हैं, और एक एक करके वो सारी की सारी पेशीन गोयां जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक, उसके जिंदा होने तक और जिंदा होने के बाद तक की हैं, वो सारी की सारी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत के दौरान पूरी होती हुई हमें नजर आती हैं। और जिस तरह से वो सारी पेशीन गोयां पूरी हुई खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से, उसकी दूसरी आमद के ताल्लुक से भी बेशुमार पेशीन गोयां खुदा के पाक कलाम में मौजूद हैं, वो भी उसी तरह से पूरी होंगी जैसे उसकी पहली आमद के ताल्लुक से पेशीन गोयां खुदावंद यीशु मसीह के हक में। खुदावंद यीशु मसीह का इन सारे हालात और वाकयात में खामोश रहना और किसी को जवाब ना देना एक बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए, हम सब के लिए। बाज़ुकात हमें बहुत सी बातों के लिए हमें मुलजिम ठहराया जाता है, हम पर इल्जाम लगाए जाते हैं, तरह तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक शख्स को रोक रोक के उसकी क्लेरिफिकेशन की जाए। वक्त खुद उन चीजों को साबित कर देता है, और अगर खुदा चाहता है उन चीजों की क्लेरिफिकेशन तो खुदा भी रोया के जरिए, ख्वाबों के जरिए अपने लोगों को आगाह करता है और उन चीजों को क्लैरिफाई करता है। सीख आज मेरे लिए और आपके लिए ये है कि जिस तरह से खुदावन यीशु मसीह की पहली आमद के ताल्लुक से सारी की सारी पेशीन गोयां पूरी हुई, उसी तरह से मेरे अजीजों खुदावन यीशु मसीह की दूसरी आमद के ताल्लुक से
हर एक पेशीन गोई जो उसके लिए की गई है वो भी उसी तरह से पूरी होगी जैसे खुदा ने उसके हक में अपने बंदों के जरिए से कह रहा है। खुदावन यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार ज्यादा खुदा की मोहब्बत में, खुदा की खिदमत में डट कर काम करें और वो सब कुछ करें, वो सब कुछ करने की कोशिश करें जो खुदा हमसे करवाना चाहता है। अपनी कुवत से नहीं, अपने जोर से नहीं, अपनी ख्वाहिश से नहीं, अपनी विल पावर से नहीं, बल्कि खुदा, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स की मर्जी, खुदाए रूहुल कुद्स की कुवत और ताकत के साथ। बरकत आप सबके साथ रहे और आज का दिन इंतहाई खुशी, अमन और तसल्ली भरा हुआ हो। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे मरकज की अंजील उसका 15 बाब। और फिर फौर सुबह होते ही सरदार काहिनों ने बुजुर्गों और फकीहों और सब सदरे अदालत वालों समेत सलाह करके यीशु को बंधवाया और ले जाकर पिलातुस के हवाला किया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत बातों का इल्जाम लगाते रहे। पिलातुस ने उससे दोबारा सवाल करके ये कहा, तू कुछ जवाब नहीं देता, देखिए तुझ पर कितनी बातों का इल्जाम लगाते हैं। यीशु ने फिर भी कुछ जवाब न दिया, यहाँ तक कि पिलातुस ने ताज्जुब किया। और वो ईद पर एक कैदी को जिसके लिए लोग अर्ज करते थे उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। और बराबा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और भीड़ ऊपर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी कि जो तेरा दस्तूर है वो हमारे लिए कर। पिलातुस ने उन्हें यह जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार काहिनों ने इसको हसद से मेरे हवाला किया है। मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातुस उनकी खातिर बराबा ही को छोड़ दे। पिलातुस ने दोबारा उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए कि वो मसलूब हो। और पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? वो और भी चिल्लाए कि वो मसलूब हो। पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादा से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाला किया कि मसलूब हो। भाई उसको उस सहन में ले गए जो प्रीतोरीन कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए। और उन्होंने उसे अर्गवानी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे कि ए यहूदियों के बादशाह, आदाब। और वो उसके सर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक टेक कर उसे सजदा करते रहे। और जब उसे ठट्ठों में उड़ा चुके तो उस पर से अर्गवानी चोगा उतार कर उसी के कपड़े उसे पहनाए। फिर उसे मसलूब करने को बाहर ले गए। और शमाउन नाम एक कुरीनी आदमी सिकंदर और रूफस का बाप देहात से आते हुए उधर से गुजरा। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा के उसकी सलीब उठाए और वो उसे मुकामे गुलगता पर लाए जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है। और मुर मिली हुई मैं उसे देने लगे मगर उसने ना ली। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़ों पर कुरा डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको मसलूब किया और उसका इल्जाम लिख कर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का बादशाह। और उन्होंने इसके साथ दो डाकू, एक उसकी दहनी और एक उसकी बाएं तरफ मसलूब किया। तब इस मजमून का वो नविश्ता कि वो बदकारों में गिना गया पूरा हुआ। और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उस पर लान तान करते और कहते थे कि वाह, मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, सलीब पर से उतर कर अपने तहीं बचा। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों के साथ मिलकर आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तहीं नहीं बचा सकता। इसराइल का बादशाह मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देख कर ईमान लाए। और जो उसके साथ मसलूब हुए थे वो उस पर लान तान करते थे। जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया कि एलोही एलोही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है, ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से बाज ने यह सुनकर कहा, देखो वो एलिया को बुलाता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरका में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखिए तो एलिया उसे उतारने आता है या नहीं। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर दम दे दिया और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया। और जो सूबादार उसके सामने खड़ा था उसने उसे यूं दम देते हुए देखकर कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। और कई औरतें दूर से देख रही थी, उनमें मरियम मगदली और छोटे याकूब और यूसेस की माँ मरियम और सलोमी थी। जब वो गलील में था ये उसके पीछे हो लेती और उसकी खिदमत करती थी।
और भी बहुत सी औरतें थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। जब शाम हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सबत से एक दिन पहले होता है, अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो इज्जतदार मुशीर और खुद भी खुदा की बादशाही का मंतजर था। और उसने जुर्रत से पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और पिलातुस ने ताजुब किया कि वो ऐसा जल्द मर गया और सूबादार को बुलाकर उससे पूछा कि उसको मरे हुए देर हो गई। जब सूबादार से हाल मालूम कर लिया तो लाश यूसुफ को दिला दी। उसने एक महीन चादर मोर ली और लाश को उतारकर उस चादर में कफनाया और एक कब्र के अंदर जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के मुंह पर एक पत्थर को लुढ़का दिया। और मरियम मगदलीनी और यूसुस की माँ मरियम देख रही थी कि वो कहाँ रखा गया। पुरानी अहद नामा में से हम पढ़ेंगे जबूर 101। मैं शफकत और अदल का गीत गाऊंगा, ए खुदावंद मैं तेरी मदह सराई करूंगा। मैं अकलमंदी से कामिल राह पर चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। घर में मेरी रविश खलूस दिल से होगी, मैं किसी खबासत को मद नजर नहीं रखूंगा। मुझे कज रफ्तारों के काम से नफरत है, उसको मुझसे कुछ सरोकार ना होगा। कज दिली मुझसे दूर हो जाएगी, मैं किसी बुराई से आशना ना होऊंगा। जो दर पर्दा अपने हमसाया की गीबत करे मैं उसे हलाक कर डालूंगा। मैं बुलंद नजर और मगरूर दिल की बर्दाश्त ना करूंगा। मुल्क के ईमानदारों पर मेरी निगाह होगी ताकि वो मेरे साथ रहे। जो कामिल राह पर चलता है वही मेरी खिदमत करेगा। दगाबाज मेरे घर में रहने ना पाएगा, दरोग गो को मेरे रूबरू कयाम ना होगा। मैं हर सुबह मुल्क के सब शरीरों को हलाक किया करूंगा ताकि खुदावंद के शहर से बदकारों को काट डालूं। जबूर 102। ए खुदावंद मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद तेरे हजूर पहुंचे। मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रूपोश ना हो, अपना कान मेरी तरफ झुका। जिस दिन मैं फरियाद करूं मुझे जल्द जवाब दे, क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां ईंधन की तरह जल गईं। मेरा दिल घास की तरह झुलस कर सूख गया, क्योंकि मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूं। कराते कराते मेरी हड्डियां मेरे गोश्त जा लगी। मैं जंगली हवासल की मानिंद हूं, मैं वीराने का उल्लू बन गया। मैं बेखाब और उस गोरे की मानिंद हो गया जो छत पर अकेला हो। मेरे दुश्मन मुझे दिन भर मलामत करते हैं, मेरे मुखालिफ दीवाना होकर मुझ पर लानत करते हैं, क्योंकि मैंने रोटी की तरह राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पिया। ये तेरे गजब और कहर के सबब से है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर पटक दिया। मेरे दिन ढलने वाले साया की मानिंद है और मैं घास की तरह मुरझा गया हूँ, लेकिन तू ए खुदावंद अब तक रहेगा और तेरी यादगार पुश्त दर पुश्त रहेगी। तू उठेगा और सैउन पर रहम करेगा, क्योंकि उस पर तर्स खाने का वक्त है। हाँ, उसका मोइन वक्त आ गया है, इसलिए कि तेरे बंदे उसके पत्थरों को चाहते और उसकी खाक पर तर्स खाते हैं। और कौमों को खुदावंद के नाम का और जमीन के सब बादशाहों को तेरे जलाल का खौफ होगा, क्योंकि खुदावंद ने सैउन को बनाया। अपने जलाल में जाहिर हुआ है, उसने बेकसों की दुआ पर तवज्जो की और उनकी दुआ को हकीर ना जाना। यांदा पुश्त के लिए लिखा जाएगा और एक कौम पैदा होगी जो खुदावंद की सिताइश करेगी, क्योंकि उसने अपने मकदस की बुलंदी पर से निगाह की और खुदावंद ने आसमान पर से जमीन पर नजर की, ताकि असीर का कराहना सुने और मरने वालों को छुड़ा ले, ताकि लोग सैउन में खुदावंद के नाम का इजहार और यरूशलेम में उसकी तारीफ करें। जब खुदावंद की इबादत के लिए कौमी और ममलकतें मिलकर जमा हों, उसने राह में मेरा जोर घटा दिया, उसने मेरी उम्र कोताह कर दी। मैंने कहा, ऐ मेरे खुदा, मुझे आधी उम्र में ना उठा। तेरे बर्स पुश्त दर पुश्त हैं, तूने कदीम से जमीन की बुनियाद डाली। आसमान तेरे हाथ की सनत है, वो नेस्त हो जाएंगे पर तू बाकी रहेगा, बल्कि वो सब पोशाक की मानिंद पुराने हो जाएंगे। तू उनको लिबास की मानिंद बदलेगा और वो बदल जाएंगे, पर तू ला तब्दील है और तेरे बर्स ला इंतहा होंगे। तेरे बंदों के फरजंद बरकरार रहेंगे और उनकी नस्ल तेरे हजूर कायम रहेगी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।